तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मेथड जो कि एवरग्रीन मेथड है मेक मनी ऑनलाइन के नीश के अंदर। और इसको यूज़ करने के बाद आप डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रमोट करके या डिजिटल एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनके एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जैसे क्लिक बैंक है या JVZoo है, वॉरियर प्लस है, तो आप इन्हें यूज़ करके किस तरीके से आप खुद ऑनलाइन अपना ब्लॉग स्टार्ट करके और फिर अपने इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको बैकलिंक्स वगैरह की भी नीड नहीं पड़ती है। ये एक एवरग्रीन नीश है जिस तरह मैंने कहा, और ये इसके अंदर आपको अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी एज लॉन्ग एज आप थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि इस काम में टाइम लगता है और इस काम में थोड़ी मेहनत लगती है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है, टाइम लगेगा आपको इसके अंदर भी। अब सबसे पहले आपको आना है वेबसाइट munchai.com पे। munchai.com बेसिकली जितने भी IM लॉन्चेस या इंटरनेट मार्केटिंग लॉन्चेस जिसे हम कहते हैं डिजिटल सेक्टर के अंदर, आप समझ लेंगे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं या डिजिटल सॉफ्टवेयर्स लॉन्च होते हैं या कोई टूल वगैरह AI का हो गया, अगर वो कोई ऐसी चीज़ लॉन्च होती है मनचाहे पे वो आ जाता है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि जो बड़ी बड़ी लॉन्चेस होती हैं जिन सॉफ्टवेयर्स की, वो आपको पहले से पता चल जाती है और उनकी डेट्स क्या होंगी लॉन्च करने की और आप क्या क्या प्रमोशनल मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास मनचाहे में आ जाएगी। अब सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से बड़े बड़े लॉन्चेस होने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स के, या कोई अगर दूसरे AI टूल्स हैं उन सबका आपको मालूम पड़ जाएगा। पहला तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आपको अगर आप इस काम को करेंगे तो ये होगा कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज से मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप किसी पर्टिकुलर अगर सॉफ्टवेयर पे रिव्यू लिखेंगे तो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे कि आप उस सॉफ्टवेयर के कीवर्ड के लिए रैंक कर दें। अब इस मेथड को कहते हैं लॉन्च जैकिंग। लॉन्च जैकिंग अभी से नहीं, एक ज़माने से चलती आ रही है इंटरनेट पे। इसका असल में काम ये होता है लॉन्च जैकिंग का कि किसी भी आप प्रोडक्ट को लेते हैं और उसके ऊपर आप रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं, और वो रिव्यू आप तब लिखते हैं जबकि वो प्रोडक्ट या तो रिसेंटली बिल्कुल लॉन्च हुआ है या तो वो लॉन्च होने वाला है और आपने उसकी पहले से सारी तैयारी करके रख दी है। आपने उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर दिया और वहाँ से फिर आपने अपना रिव्यूज़ वगैरह लिख के और आपने रैंकिंग अपनी वेबसाइट की स्टार्ट कर दी। ये होता है लॉन्च जैकिंग। और अभी से नहीं, जिस तरह मैंने कहा एवरग्रीन मेथड है ये बहुत टाइम से चलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई शॉर्ट कट है या ऐसा है कि 2 से 3 महीने बाद ये डेड हो जाएगा, नहीं, सालों सालों से चलता आता है ये काम। अब जिस तरह मैंने कहा कि मनचाहे पे आने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, कैटेगरीज आ जाएंगी आपके पास अलग अलग के, कौन कौन सी कैटेगरीज आपको चाहिए सॉफ्टवेयर्स की, लेकिन आपको फोकस करना है बिग लॉन्चेस पे। बिग लॉन्चेस पे फोकस करने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स अभी सितंबर में रिलीज़ हुए हैं या अक्टूबर नवंबर, और ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें सबसे बड़े बड़े जो मार्केटर्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं, तो उनकी बैकिंग होती है इन प्रोडक्ट्स के लिए और इनकी हाइप सबसे ज़्यादा होती है। अब जिस तरह आप एक प्रोडक्ट देख रहे हैं कि जोशुआ जमोरा का प्रोडक्ट है, मतलब एक मार्केटर है, उसका प्रोडक्ट है AI रिव्यू इंजन। अब AI रिव्यू इंजन आपको, सॉरी, AI रिव्यू इंजन आपको $35 50% कमीशन पे दे रहा है, मतलब फ्रंट एंड पे $35 का कमीशन है आपका 50%, मतलब इसकी प्राइस होगी $70, तो उसका 50% कमीशन आपको मिलेगा। अब आपको करना ये है कि इसकी लॉन्च है 7 सितंबर की, आज है थर्ड सितंबर है मेरे ख्याल से, थर्ड है या फोर्थ है मुझे भी खैर याद नहीं है, शायद थर्ड ही होगी, बहरहाल जो भी है। अब उसके अंदर जिस तरह मैंने कहा आपको कि एक तो आपको फिर सबसे पहले जो भी आपको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है आप वहाँ जाएं उसकी डेट चेक करें कि लॉन्च डेट क्या है। अब जिस तरह 7 सितंबर है, अगर ऐसे आप प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि ऑलरेडी आप समझ लें कि अगस्त में लॉन्च हो गए हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा इस काम को, लेकिन अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सितंबर में इस महीने लॉन्च हो रहे हैं या अक्टूबर या नवंबर, आइडियली अगर अक्टूबर या नवंबर के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये काम किस तरह करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रोडक्ट आप कोई सिलेक्ट करते हैं उसके बाद क्या करना है आपको। अब जैसे इस प्रोडक्ट का नाम है AI रिव्यू इंजन और ये लॉन्च डेट है इसकी सितंबर को, तो कुछ दिनों बाद का लॉन्च है। अब इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो आप लिखेंगे उस प्रोडक्ट का नाम और उसके आगे रख देंगे रिव्यू। अब आपको मैं जरा फ्रेज सर्च करके दिखाता हूं इसकी, कि जो एग्जैक्ट ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है इसी तरीके से वो कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है।
अब आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 4 रिजल्ट से, और अभी 5 आवर्स अगो एक यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाई है एआई रिव्यू इंजन के नाम से, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद शायद एआई जनरेटेड वीडियो होगी। एक खाली एक मुझे किसी का डेली जॉब किलर वेबसाइट है उस पर किसी ने एक आई थिंक रिव्यू लिखा है। अब ये ऑटो ब्लॉगिंग प्लगइन है वर्डप्रेस का, तो इसीलिए इसका नाम एआई रिव्यू इंजन है। जिस तरह बहुत सारे ऑटो ब्लॉगिंग प्लगइन्स अभी आ गए एआई के और ये बहुत ज़्यादा हॉट केक्स की तरह बिकते हैं AI रिव्यू के जो प्लगइन्स होते हैं स्पेशली वर्डप्रेस के, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं होता, आपको अपने वर्डप्रेस में वो प्लग इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स जनरेट भी होते हैं पब्लिश भी होते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आप आर्टिकल देखें, ठीक है, जिसने भी आर्टिकल लिखा है अभी फ़िलहाल इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मैं आपको दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ कि इसमें फिर क्या करनी होगी। आप समझे कि आपने मनचाहे पे आके ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया AI रिव्यू इंजन, ये एक कराया अभी आपने, सही है, और आप समझ लें कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, SEO के प्रोग्राम्स होते हैं उनके अलग है, या सोशल मीडिया का जो प्रोग्राम होगा वो अलग होगा, सॉफ्टवेयर्स जो जनरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वीडियो सॉफ्टवेयर्स हों या बिजनेस के सॉफ्टवेयर्स हों, हर किसी की कैटेगरी अलग है। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक रिव्यू की वेबसाइट बनाएं जिस पर आप सारे सॉफ्टवेयर रिव्यू करें, दूसरा एक ऑप्शन क्या होगा अगर आप AI के प्रोडक्ट्स पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ AI पे एक वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर आप सिर्फ AI के जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे उन पे रिव्यूज़ डालेंगे। अब इस काम के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, पहली चीज़ आपको चाहिए होगी वेब होस्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ये काम के लिए आप ब्लॉगर या कोई फ्री डोमेन पे काम नहीं कर सकते। अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि हम फ्री में ब्लॉगर पे ये काम करके रैंक कर लेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप अभी आपके पास वेब होस्टिंग नहीं है या अगर आप थोड़े पैसे स्पेंड नहीं करना चाह रहे वेब होस्टिंग लेने पे, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप इस मेथड को, आप इस मेक मनी ऑनलाइन मेथड को यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपके एडवांटेज के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास वेब होस्टिंग है या आप वेब होस्टिंग ले सकते हैं प्रीमियम वेब होस्टिंग, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद होपफुली आपकी इनकम सस्टेनेबल होगी और आप हर मंथ पैसिव इनकम जनरेट कर सकेंगे। अब सबसे पहले आप होस्टिंगर पे आएंगे, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा अफिलिएट लिंक होता है, अगर आप वहाँ से परचेस करेंगे मुझे कमीशन मिलेगा, मगर आपकी प्राइस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट होस्टिंगर पे जाके ले लें या आप चाहें तो मेरे अफिलिएट लिंक से जाके ले लें, कोई मसला नहीं है। और अब वेब होस्टिंग जब मेरा आपने लिंक जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे URL में, तो आपके पास होस्टिंगर खुल जाएगी। अभी क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरे पास पाकिस्तान की प्राइसिंग आ रही है, आप अगर इंडिया में होंगे तो इंडिया की प्राइसिंग आ जाएगी, आप US में है तो आपके पास डॉलर्स में आ जाएंगे। प्लान आप कोई भी ले लें, आपको जो समझ में आ रहा है, आप चाहें तो ये प्लान ले लें या आप चाहें तो ये प्लान ले लें, बस रिन्यूअल की कॉस्ट वगैरह देख लीजिएगा। अब फिर ऐड टू कार्ट वगैरह करने के बाद जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, अब वो मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ लेकिन मैं पूरा फॉलो नहीं करूँगा। जिस तरह आप ये प्राइस वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे, आप चाहें तो 12 मंथ्स पे ले लें या 24 मंथ्स पे ले लें। 12 मंथ्स की अगर आप लेंगे तो आपको 10,000 की पड़ती है, या 24 मंथ्स की अगर आप लेंगे 20,000, या आपकी मर्जी है। बहरहाल अच्छा, अब होस्टिंगर पे आने के लिए जो मैं आपको कह रहा था, आपको फिर एक डोमेन नेम भी लेना पड़ता है। डोमेन नेम होस्टिंगर फ्री में देता है अगर आप ईयरली वेब होस्टिंग लेते हैं इनसे, तो आपके यहाँ पे पैसे बच जाएंगे। अब डोमेन नेम के लिए क्या करना है आपको, कि जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप मनचाहे पे आके और सिर्फ AI सॉफ्टवेयर जो हैं या AI टूल्स हैं उनके ऊपर रिव्यू की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको AI से रिलेटेड कोई डोमेन नेम लेना पड़ेगा। अब अगर मैं बना रहा हूँ AI से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट या रिव्यू की वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे अपना एंटायर डिज़ायर डोमेन नेम में फिर सोचूंगा कि मुझे क्या डोमेन चाहिए जो कि ज़्यादा मैच करेगा इससे। मैं अगर AI junction pro.com, ये ऐसे ही मैंने एज एन एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो कोई और अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो ChatGPT यूज़ कर सकते हैं। फिर इनके AI जनरेटेड ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए .com लीजिएगा, .com हो या .net हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंस हमेशा .com होनी चाहिए। अच्छा, आप डोमेन वगैरह जब आप ले लेंगे, मैं भी ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करूँगा, होस्टिंगर के बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर आपके पास वेब होस्टिंग है तो ज़्यादा आपके पास फिर तो एज ही है, क्योंकि आपको सिर्फ एक डोमेन लेना होगा। इस काम के लिए एक डोमेन लेना ज़रूरी है, आप किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉग पे काम नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। या तो अगर आपके पास वेब होस्टिंग नहीं है होस्टिंगर से लेके फ्री डोमेन ले लें, या एक अलग से एडिशनल डोमेन परचेज कर लें। अब डोमेन लेने के बाद आपको क्या करना है कि
अब ये आप जिस तरह देख रहे हैं कि मैंने गूगल में लिखा था AI रिव्यू इंजन, और रिव्यू आगे सिर्फ जो भी प्रोडक्ट है उसके आगे आपको सिर्फ रिव्यू लगा देना है। एक कीवर्ड ये होता है आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास दूसरा कीवर्ड जो आप टारगेट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, इस AI रिव्यू इंजन स्कैम और नॉट। ये दो कीवर्ड हो गए। अभी कोई भी इस पे राइट नहीं कर रहा है रिव्यूज, क्योंकि अभी कंपटीशन है ही नहीं। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आप इसका देखना कि कितने सारे लोग इसके ऊपर शुरू कर देंगे। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है। आप इजीली रैंक कर सकते हैं इसके ऊपर। मेरी खुद की भी एक वेबसाइट है जो सिर्फ टेक रिव्यूज़ के ऊपर है सॉफ्टवेयर पे, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मैं वो रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर मेरे आप समझ लें कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैं सिलेक्ट करता हूँ या जो मेरी रैंकिंग है वो फिर उससे शायद हो सकता है कि थोड़ा इफेक्ट पड़ जाए, इसीलिए तो मैं नहीं वो दिखा सकता। लेकिन मैं इस पे काम करता हूँ और मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ या कर रहा हूँ। तो अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि AI रिव्यू इंजन रिव्यू जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कोई कंपटीशन नहीं। अब आपको क्या करना है इसमें, अब जो सबसे मेन काम है वो ये है कि आप जब ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, ब्लॉग सेटअप के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से करता हूँ, या आप कॉन्टेंट किस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो कॉन्टेंट होगा, जिस तरह आप ये एक रिव्यू आर्टिकल देख रहे हैं, इसका सारा काम ही रिव्यू आर्टिकल्स का होता है। यहाँ पे आप एक रिव्यू आर्टिकल देख रहे हैं। अब ये आप हर एक प्रोडक्ट का आप देखें रिव्यू आर्टिकल, अगर नहीं है तो या तो आपको कोई ऐसा बंदा पकड़ना पड़ेगा जिसका टैलेंट ऐसा है कि वो बगैर किसी को मतलब कोई रिसर्च किए बगैर रिव्यू लिख दे। सही है, बगैर रिसर्च से मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर रिव्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि आपको दो तीन चीज़ें देखनी है कि अगर तो आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसका किसी ने पहले से रिव्यू लिखा है तो आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर आप चाहें तो उसे रीराइट कर सकते हैं। लेकिन रीराइट ऐसा नहीं कि आप किसी ChatGPT वगैरह से काम करें, क्योंकि इस काम के लिए ChatGPT यूज़ नहीं हो सकता है। कोई भी आप ऑटो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर इस काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या कोई AI चैटबॉट यूज़ नहीं कर सकते। आपको ह्यूमन रिटन कंटेंट ज़रूरी है इस काम के लिए, और हर आर्टिकल की लेंथ 1000 से 1500 वर्ड्स होना ज़रूरी है। नहीं कर सकते तो कोई ना कोई आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप ही आउटसोर्स कर दें। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक रिव्यू इस पे लिखा है AI रिव्यू इंजन, आप चाहें तो ये लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखें कीवर्ड, जिस तरह मैं कहता हूं कि कंटेंट के अंदर आपको कीवर्ड्स डालने होते हैं। टेबल के लिए मैं ऑटर ब्लॉक्स यूज़ करता हूं, आप वो डाल सकते हैं। जो प्राइसिंग होगी प्रोडक्ट की वो आपको मालूम पड़ जाएगी, क्या है क्या नहीं है और इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है। अब क्योंकि आपके पास तो ये ऑलरेडी ऐसी चीज़ है कि जो आपको सिर्फ नज़र आ रही है ऑनलाइन, लेकिन आपके पास आपने कभी इसे यूज़ ही नहीं किया, तो आप किस तरह रिव्यू लिखेंगे। उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो ऑलरेडी पहले से पब्लिश रिव्यूज़ हैं दूसरों के, जिस तरह ये है, उन्हें पढ़ने के बाद आप फिर देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे ऐसे कोई चीज़ है जो आप रीराइट कर सकते हैं। लेकिन अगेन यार, आप इस पर AI कोई टूल यूज़ मत कर कीजिएगा, ये आपको खुद लिखने पड़ेंगे आर्टिकल्स, या अगर किसी और से लिखवाने तो लिखवाएंगे आप। फिर लिंक्स वगैरह जब आप डालेंगे, अच्छा अब लिंक्स के लिए जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि JV प्रोग्राम है, अब आप पेमेंट्स वगैरह कैसे लेंगे। बात यह है कि एक ये जो आप देख रहे हैं कि मंच आए पे 3-4 प्रोग्राम्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे मैं आपको बताऊंगा जो आइकॉन बने आ रहे हैं। ये W+, ये वॉरियर प्लस का है, JVZ जो यहाँ लिखा आ रहा है वो JVZoo है, और क्लिक बैंक का भी होगा आई थिंक, और एक आपको INF नज़र आ रहा है, इन्फ्यूजन सॉफ्ट। ये किसी का अपना खुद का जो कोई भी अफिलियट प्रोग्राम है वो इन्फ्यूजन सॉफ्ट यूज़ करता है, तो वो अलग से अपना खुद अफिलियट उनका फिर प्रोग्राम होता है, वो किसी अलग कोई मार्केट प्लेस पर नहीं होते, तो वो अपनी अलग से प्रमोशन कर रहे होते हैं, मतलब उनका अलग से सेपरेट एफिलिएट प्रोग्राम है। JVZoo, वॉरियर प्लस, ये सारी मार्केट प्लेसेस होती हैं क्लिक बैंक की तरह। क्लिक बैंक का लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में तो रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरा आज से तकरीबन 15 साल पहले का अकाउंट है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्लिक बैंक में, लेकिन आप अगर नए यूज़र हैं साइनअप करेंगे तो क्लिक बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया के अंदर भी मैंने नोटिस किया है, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि उनका भी क्लिक बैंक चलते चलते वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो क्लिक बैंक इसमें यूज़ नहीं करना, आप क्लिक बैंक को अवॉइड करना। आप JVZoo देखें, जो JVZoo है, JVZoo जिस तरह मैंने कहा ये भी एक मार्केट प्लेस है ऑनलाइन, जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स की बाइंग और सेलिंग होती है, और एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अपने खुद के एफिलिएट प्रोग्राम्स यहाँ पे लाते हैं, और फिर आप जब उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। तो ये है JVZoo। अब JVZoo में जब आप साइन अप कर लेंगे तो या तो आप
के पास यहाँ पे खुद भी आप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बाद में रखी है। सबसे पहले आप मंच ऐप पर ही जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बिग लॉन्चेस के अंदर जो लिस्टेड है वो, या जो जस्ट लॉन्च के अंदर आपको जस्ट लॉन्च्ड के अंदर नीचे नज़र आ रहे होंगे सितंबर के, या तो वो, या बिग लॉन्चेस, या ऑल लॉन्चेस के अंदर भी जो आप समझ लें कि जो फ्यूचर में प्रोडक्ट्स आने वाले हैं रिलीजेस, उनका आपको नज़र आ जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो हों वो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जिस तरह मैंने कहा कि जेवी जू में आने के बाद आप जब यहाँ साइनअप वगैरह कर लेंगे, अच्छा, इसका पे आउट का ऑप्शन पेनियर होता है, पेनियर और वाइज होता है। वाइज अभी अगेन वही पाकिस्तान में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो आप पाकिस्तान इंडिया से हैं, या तो आप पेनियर यूज़ कर लें या वाइज यूज़ कर लें, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको पे आउट करनी होगी $50 के बाद आपका पे आउट इनेबल हो जाता है यहाँ पे जेवी जू पे। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपकी ब्लॉग सेटअप, डोमेन वगैरह, फिर आप जब एड न्यू पोस्ट करेंगे, अब जैसे ये एक प्रोडक्ट जिस तरह मैंने कहा AI रिव्यू इंजन रिव्यू, ये एक आपका कीवर्ड होगा, ये प्रोडक्ट का नाम और आगे रिव्यू, सही है। तो आपको भी करना ये है कि टाइटल में, ये मेरी असल में वो ब्राइट डायनो वाली वेबसाइट है, इस पर मैं भी पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि इसका कोई लिंक ही नहीं बनेगा, ये एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं ये लिख दूंगा, फिर जो भी कॉन्टेंट होगा उसके अंदर ये एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करूंगा मैं, 2 से 3 बार, कम से कम 1500 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, ये यूज करूंगा। एक हेडिंग में बना सकता हूं इसके अंदर H2 की, के इज AI रिव्यू इंजन स्कैम और नॉट। आप समझ लें कि ये जो दो कीवर्ड्स होते हैं, एक ये मेन कीवर्ड और दूसरा ये, दो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली सर्च्ड टर्म्स होते हैं गूगल में किसी भी प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट का नाम होगा आगे, या तो जब कोई बंदा जाता है रिव्यू लिख देगा, या बंदा इज लिखेगा, फिर प्रोडक्ट नेम और स्कैम और नॉट, ये दो चीज़ें। आप ये कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। उसके बाद सेटअप किस तरह करना है ब्लॉग, अगेन वो मेरी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, तो मैं वो इसे स्किप करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। परमालिंक के अंदर आप जिस तरह ये देख रहे हैं परमालिंक, तो ये आप इसी तरह रहने दें। जो प्रोडक्ट का रिव्यू आप लिख रहे हैं उसका एग्जैक्ट जो भी नाम है वो आपकी URL में आना ज़रूरी, ताकि आपको SEO बूस्ट मिल सके। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली SEO के ऊपर, SEO चेक की, जिसमें आप अपना SEO स्कोर चेक कर सकते थे जाके AIO SEO पे, तो वो आप एक मरतबा देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्या क्या चेकलिस्ट होती है जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं, और उसमें क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, सही है। अब जब हेडिंग्स बना लेंगे उसके बाद आपको अपने रिव्यूज़ लिखना स्टार्ट कर देने हैं। आप कम से कम एक तो रिव्यू जो आपका होगा मेन, सही है, AI रिव्यू इंजन। अब जिस तरह मैंने कहा कि होस्टिंगर में अगर आप कोई एक स्पेसिफिक नीश, क्योंकि देखिए रिव्यूज़ का नीश, सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ का नीश ऑलरेडी बहुत ही बड़ा ब्रॉड है, आप उसको नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, जिस तरह आप AI सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ लिखेंगे तो वो नैरो डाउन हो गया, या अगर आप SEO सॉफ्टवेयर्स पे लिखेंगे तो वो नैरो डाउन हो गया। तो एक आपने छोटा और नीश बना लिया जिसमें कॉम्पिटिशन कम होगा और आपके चांसेस रैंक करने के ज़्यादा होंगे। अब जिस तरह मैंने कहा कि अगर AI सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ है तो AIJunctionPro.com या कोई भी आप डोमेन लें उस पे काम स्टार्ट करें, और उसके बाद आपको करना ये होगा कि आप कम से कम एक, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, या अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट देखूं यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा हो, एक सेकंड, एक प्रोडक्ट दिखा था मुझे, वो पता नहीं कहाँ चले गया। इजी लिंक्स, इजी लिंक्स पे अब ये भी जिस तरह एक प्रोडक्ट है, अब इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो इसे AI के अंदर लिख सकता हूँ इस प्रोडक्ट को। और फिर जो भी, अब जिस तरह मैंने कहा कि अगर AI रिव्यू इंजन पे आपको लिखना है कंटेंट, तो उसके लिए ये जिस तरह आप यहाँ पे लिंक देख रहे हैं, यहाँ जब आप जाएंगे उसके बाद ये जेवी पेज है। जेवी पेज सिर्फ आपको नजर आएगा, या जिनको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होंगे यहाँ से आगे उनको नजर आएगा। जो फ्रंट एंड पे जो पेज होगा इनका, वो ऐसा नहीं होगा। फ्रंट एंड का पेज ये आप देख रहे हैं सेल्स पेज प्रीव्यू, जो कस्टमर आएगा वेबसाइट पे उसको पेज जो नजर आएगा, अच्छा इनका तो अभी चलो खुल खुल ही नहीं रहा है, बहरहाल वो जब ये लॉन्च होगा तब मेरे ख्याल से ये आई थिंक खुल जाएगा पेज। अभी तो नहीं खुल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा इनका, तब आपको ये नज़र भी आ जाएगा कि फ्रंट एंड पे प्रोडक्ट की वेबसाइट जो है वो किस तरीके से नज़र आ रही है। वो आपको चीज़ आई थिंक जब, हाँ, क्योंकि अभी इन लोगों ने सेटअप नहीं किया, तो
ये 7 सितंबर को ही इनका जो सेल्स पेज है वो लॉन्च हो जाएगा। लेकिन आई थिंक यही इस तरीके से आप समझ लें कि सेल्स पेज जो होगा वो शायद इस तरीके से ही नज़र आएगा अभी, क्योंकि आई थिंक इनका सेल्स पेज इन लोगों ने एक्टिव नहीं किया है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन खैर ये आप जाके जब ये 7 सितंबर को रिलीज़ होगा या आप कोई और प्रोडक्ट देख सकते हैं उस पर मंच आए पे, वहाँ पे आपको हो सकता है कि जो है अपना वो चीज़ें नज़र आ जाएँ जो कि उसके ऊपर इन द फ्यूचर जो रिलीज़ होंगे सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो ये जब आप कर लेंगे उसके बाद जैसे ही आप रिव्यू अपना पब्लिश करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो उसमें एडवांटेज ये होता है आपके पास कि आप जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी रैंकिंग जो होती है गूगल में, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि इन प्रोडक्ट्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उन पर कॉम्पिटिशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही 7 सितंबर आएगी आप उसके 3-4 दिन बाद देखिएगा कि इस प्रोडक्ट पर कितना कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो जिस तरह जल्दी जल्दी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है उससे पहले जब आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे आर्टिकल लिखते हैं और उसे रैंक करने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी रैंक होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि कंपटीशन नहीं होता उस कीवर्ड के लिए। सही है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर मैं एआई रिव्यू इंजन रिव्यू लिखता हूँ अभी तो इस पर कोई अभी कंपटीशन नहीं है। सिर्फ अभी देखें आप वन डे अगो एआई रिव्यू इंजन, ये भी कोई मेरे ख्याल से अभी प्रमोट करने के लिए इसने भी बनाई होगी किसी बंदे ने रिव्यू की। सही है, तो इस पर आपको इतना कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं। ये आप जिस तरह देख रहे हैं ये अलग है, एआई इंजन अलग है, लेकिन अगर मैं जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप फ्रेज सर्च करते हैं तो सिर्फ यही वेबसाइट्स हैं जो इस पूरे सेम कीवर्ड पे या तो काम कर रही हैं या उन्होंने आर्टिकल लिखा है या कोई वीडियो बनाई है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये तरीके आप ये तरीका इस्तेमाल करने के बाद आपकी वेबसाइट पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बैकलिंक्स की इतनी नीड नहीं होती है इस काम के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ है उससे पहले तो सर्चेज नहीं होंगी। लेकिन जैसे अब जिस तरह आप आज देख लेना, आज हुआ उसका कल हुआ इंडिया पाकिस्तान का मैच, सही है, अब उसमें आप समझ लें कि वेदर फोरकास्ट जो थी, सही है, उस एरिया के अंदर, सही है, वेदर फोरकास्ट वहाँ पे उसकी सर्चेस आज से एक हफ्ता पहले उतनी नहीं हुई होगी, लेकिन आज गूगल ट्रेंड्स में श्रीलंका में वेदर का जो कीवर्ड होगा वेदर प्रेडिक्शन, वो कीवर्ड के सर्चेज आप ट्रेंड में देखेंगे तो एकदम शूट करेगा होगा। क्यों? क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और बारिश हो गई तो ऑब्वियसली बात है लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी या कब बंद होगी कितनी देर बाद बंद होगी। उसी तरीके से जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हज़ारों लाखों डॉलर्स की स्पेंडिंग होती है किसी भी बंदे की जो एफिलिएट मार्केटर होता है या इंटरनेट मार्केटर होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन हमेशा हर जगह करता है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए कि कीवर्ड सर्चेस नहीं होंगी, ये वो कीवर्ड की सर्चेस आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी आना जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट एफिलिएट कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट की लॉन्च जब होती है जिस भी दिन पे, उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी सर्चेस ऑटोमेटिकली शूट कर देंगी, वो आप उससे बेफिक्र रहें। तो ये काम करने से आपके पास बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप ये करते हैं इस तरीके से, अपना वेबसाइट पूरी एक ब्लॉग बनाते हैं होस्टिंगर से या कहीं से भी आप होस्टिंग लेके, फिर मंच आए पे आने के बाद वो प्रोडक्ट्स आप लेंगे जो कि आप समझते हैं कि अच्छा। ये एक और प्रोडक्ट था एआई वायरल बिट, सही है, ये भी एक और प्रोडक्ट है। अब जिस तरह मैंने कहा था कि एआई रिव्यू इंजन पे अगर आप किसी एआई के सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ की वेबसाइट बना रहे तो आप एक और यहाँ पे एआई वायरल बिट, जिस तरह ये सॉफ्टवेयर है ये भी अभी लॉन्च होने वाला है आई थिंक 3 सितंबर, ये आज की लॉन्च है, तो इस पर भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं और ये जल्दी जल्दी रैंक होता है। सही है, ये प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनके अगर आप रिव्यूज़ लिखते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल में जल्दी शो होए। ये चीज़ तो आप इस पर मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि जितना जल्दी आप किसी प्रोडक्ट लॉन्च पे काम करेंगे और उस प्रोडक्ट की लॉन्च अगर 1 या 2 महीने बाद होगी तो और ज़्यादा चांसेस होंगे आपके फर्स्ट पेज पर रैंक करने के गूगल के। लेकिन अगेन इस काम के लिए शर्त ये, एक तो आपको JVZoo पे साइनअप करना होगा ताकि यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी JV के जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं या JV लॉन्चेस होती हैं या प्रोडक्ट लॉन्चेस, वो सारी यहाँ पे आती हैं। उसके बाद आपको अपना खुद का ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाने के बाद नीश सेलेक्ट कर लें किन सॉफ्टवेयर पर रिव्यूज़ लिखने हैं, और लास्टली आप इस काम के लिए AI यूज़ नहीं कर सकते, आपको खुद सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप कुछ टाइम बाद आपकी यहाँ से एक कंसिस्टेंट इनकम शुरू हो जाएगी, और क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का कमीशन बहुत बड़ा होता है, अगर $37-40 इनिशियल सेल है तो जब कस्टमर अपसेल्स वगैरह लेता है तो ऑल द वे अप टू $100 तक आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक सेल से। लेकिन
ये मैं वही कह रहा हूँ कि गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इस काम में टाइम लगता है, महीने लग जाते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट रैंक ज़रूर होगी एज लॉन्ग एज आप एक नीश पे काम करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बैकलिंक्स नहीं चाहिए होंगे इस काम के लिए, अगर आप बैकलिंक्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर भी कोई मसला नहीं है। जितनी जल्दी आके आप प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लिखेंगे उतनी जल्दी आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप फर्स्ट पेज पर गूगल के आ सकें। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे जवाब देने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।